Hi guys, very welcome all of you in third lecture of RCC. In that particular lecture, we cover the shear, bond and development length through LSM method, means limit state method. The student, let first start the shear. सबसे पहले हम समझते हैं कि shear होता क्या है. The student, जैसे आप देख रहे हो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये कोई भी बीम है. सपोज ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस बीम में क्या होता है, लोड आता है. उस लोड के कारण वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है. तो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशंस पूरे स्पैन में सेम नहीं होता है, हर जगह पे क्या होता है, वेरी करता है. ठीक है, अगर UDL है तो सेम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उस केसेस में. लेकिन जनरली क्या होता है, हमेशा इन प्रैक्टिकल केसेस बेंडिंग मोमेंट हर जगह पे सेम नहीं होता है, जिसके कारण से क्या होता है, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है. और बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होने के कारण आप सभी जानते हो कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है उसके कारण वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है. ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में. ठीक है, तो उस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस डेवलप होने के कारण वहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस भी आता है उस सेक्शंस में. तो आप सभी जानते हो कि जो कंक्रीट है वो कंप्रेशन में काफ़ी मजबूत होता है, लेकिन वो टेंसाइल लोड को बहुत ज़्यादा नहीं ले पाता है. इसीलिए ही तो हम लोग स्टील को डालते हैं किसी भी बीम में या कॉलम्स में. क्यों डालते हैं, क्योंकि कंक्रीट काफ़ी वीक है टेंशन में, और उस टेंशन लोड को लेने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, वहाँ पर स्टील को इम्बेड करते हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये सेक्शन जो है यहाँ पर क्रैक किया हुआ है. ऐसा क्रैक क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस आया है. बेंडिंग स्ट्रेस के कारण यहाँ पे सफिशियंट स्ट्रेंथ नहीं था कंक्रीट के पास में कि वो उस टेंशन को रोक पाए. ठीक है, तो उसी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे शेयर रिइंफोर्समेंट डालते हैं. क्या डालते हैं, शेयर रिइंफोर्समेंट. शेयर को रोकने के लिए क्या डालते हैं, शेयर रिइंफोर्समेंट. और किस फॉर्मेट में डालते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप. स्टीरअप हमें लगता है कि आप समझ पा रहे हो, जैसे जो यहाँ पे देख रहे हो बीम है, इस बीम में ऊपर में भी छड़ रहता है और नीचे में भी रहता है, दोनों में छड़ रहता है ना, तो रहता है. तो उसको दोनों को बांधने के लिए हम क्या करते हैं, स्टीरअप का यूज़ करते हैं. देखते हो गोल गोल रहता है ना, ऐसे ऐसे राउंड अप अगर दो स्टील को बाउंड करना है, तो उसी के फॉर्मेट में हम यहाँ पे शेयर रिइंफोर्समेंट डालते हैं. या तो उस फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर क्रैंक बार के फॉर्मेट में भी हो सकता है. ठीक है, शेयर रिइंफोर्समेंट. तो आगे हम देखेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे किस फॉर्मेट में होता है. तो सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ कि वो शेयर रिइंफोर्समेंट किस फॉर्मेट में होता है. तो आप थोड़ा वेट करना, मैं उस इमेज को आपको दिखाऊंगा, उसके बाद फिर से ये वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको. ठीक है, तो ये इमेज आप देखना. जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये जो बीम का सेक्शंस है, यहाँ पे देखो स्टील ऊपर में है और नीचे में भी है ना. और यहाँ पे देखो दोनों को बांधा गया है, किससे, स्टीरअप से. आप लोगों तो पहले से समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं 4 चैप्टर ऑलरेडी यहाँ पे RCC का ख़त्म कर चुका हूँ. अब स्टीरअप और स्टील, इसको समझाने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होनी चाहिए. कवर क्या होता है, इफेक्टिव कवर क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊँगा क्या होता है. लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा रहा हूँ, स्टीरअप. स्टीरअप शेयर इन्फोर्समेंट के फॉर्मेट में उस बीम में डाला जाता है, ताकि उस शेयर को क्या करे, कम करे. ठीक है, जो क्रैक आ रहा है उस बीम में, उस क्रैक को कम करे. तो इस फॉर्मेट भी हो सकता है, या फिर क्रैंक बार के फॉर्मेट भी हो सकता है. देख रहे हो ना डियर स्टूडेंट्स, आप ये यहाँ पे मोड़ा गया है स्टील बार को, ये देख रहे हो ना, इसे मोड़ा गया है. एक तो ये दो रड है, और उसके बाद में यहाँ शेयर रिइंफोर्समेंट से स्टीरअप है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्रैंक बार है. तो ये चीज़ है. ठीक है, इसी के मतलब उसी शेयर को रोकने के लिए, उस जो क्रैक आ रहा था यहाँ पे सेक्शन पे, देख रहे थे ना यहाँ पे क्रैक आ रहा था, वहाँ पे उस क्रैक को रोकने के लिए हम लोग इसे इंसर्ट करते हैं. ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने वीडियोज़ में. और टाइम लग रहा है तो आप लोग वेट करना है ना, क्योंकि चीज़ों को समझना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना. तो आप लोग को शेयर समझ में आ गया होगा. ठीक है, शेयर क्यों होता है, शेयर इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो स्पैन होता है उसमें बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट नहीं होता है, और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट नहीं होने के कारण वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट के कारण वहाँ पे क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट होता है, और उस बेंडिंग स्ट्रेस के कारण वहाँ पे क्या होता है, क्रैक डेवलप होता है, उसको हम लोग शेयर कहते हैं. और उसे रोकने के लिए क्या करते हैं, हम लोग शेयर इन्फोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप क्या करते हैं, डालते हैं, जिसको मैंने अभी पहले उस इमेज से आपको दिखाया था. जैसे यहाँ देखो क्रैक डेवलप हुआ है, वो जनरली जो होता है 45 डिग्री पर क्रैक डेवलप होता है. देख रहे हो ना, बिकॉज सपोर्ट प्रिंसिपल टेंशन इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड इट इज कॉल्ड डायगोनल टेंशन. आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पर पढ़ना मैंने जो चीज़ समझाया वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, आप एक बार इसे पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा. और मैं इसका नोट्स भी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेंशन मत लेना. प्लीज़ आप इसको समझो पहले क्या है. देखो मैंने जो बताया है वही सारी चीज़ें यहाँ पे
ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पे नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ वी है, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉमिनल शेयर स्ट्रेस होता है बाय दी फॉलोइंग इक्वेशंस। हम नॉमिनल स्ट्रेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए देखो टाउ वी एक फार्मूला है, वी यू बाई क्या होता है, बी डी होता है, जहाँ पे वी यू जो है शेयर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड, मतलब जो हमारा लोड आ रहा है उस बीम पे, कोई भी बीम है तो उस पे लोड आएगा, बीम तो इसलिए बनता है ना कि उस पे लोड आता है, तो ये लोड है हमारा शेयर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड, और बी तो आप लोग समझ ही रहे हो विड्थ है, ठीक है, विड्थ ऑफ द मेंबर शैल बी टेकन एज विड्थ ऑफ द वेव, ठीक है, एंड डी क्या है वहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ है। तो जब भी हमें नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालना हो तो किस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग, टाउ वी बराबर वी यू बाई बी डी, ठीक है, जहाँ पे वी यू क्या है शेयर फोर्स है, आप लोग समझ रहे हो शेयर फोर्स क्या होता है, शेयर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है टाउ सी, ये सब जरूरत पड़ेगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि आरसीसी टोटली न्यूमेरिकल है आप सभी जानते हो, लेकिन उसे करने के लिए कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा पहले। अब देखो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट क्या है, ये टाउ सी है, तो आप थोड़ा वेट करना, ठीक है, परेशान मत होना प्लीज़, ठीक है, थोड़ा सा मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाता है, ऐप्स थोड़ा सा ये है, ठीक है।